हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे तनों में बोरर लगते हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी इनको आसानी से देखना देख सकते हैं हम, क्योंकि अभी इसमें ये फंसा होता है और आजकल ही ये ज़्यादा अटैक करते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस कीड़े को भी दिखाऊँ और कैसे इसको मार सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो आप इस तरह से एक सिरिंज ले लीजिए और उसमें या तो कोई कीटनाशक डाल दीजिए या पेट्रोल डाल दीजिए। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो जैसे ही आप इस तरह से डालेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, आप चेक करें, इसमें इस तरह से गया होता है वो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से अंदर वो होगा, वो छेद आप देख लें जहाँ वो होगा। अगर वो बाहर, मैं दिखाऊँगा आपको, अगर कहीं बाहर आ जाएगा, कई बार वो बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये देख सकते हैं आप, ये मैंने जो इसमें डाला है, मैं डाल रहा हूँ डर्मेट, तो मैं डाल दूँगा इसमें इस तरह से। ये आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी सुई डाल जाती है, आप डालें इसको। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है और हम इसे मिट्टी से बंद कर देंगे। कोई भी आप चिकनी मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी, उसे आप इसे बंद कर लीजिए ताकि उसकी थोड़ी देर हवा उसको ना मिल पाए और वो अंदर ही डेड हो जाए। कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ जो नज़दीक होंगे वो जल्दी बाहर आ जाएंगे, जो अंदर चले गए हैं वो बाहर नहीं आ सकते। इसलिए आप फिर मिट्टी से इन्हें इस तरह से टाइट कर ले, गीली मिट्टी करें ताकि हवा ना जाए और जो दवाई है उसका असर हो जाए। तो ये विद इन 5 मिनट ही डेड हो जाते हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। तो आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ जगह आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जो गांठे पड़ी होती है, इसे हम आरी से या चाकू छुरी से इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ से नीचे से काट देंगे, इस तरह से इसे निकाल देंगे तो इसमें जो बोरर है वो बहुत मारना बहुत ही मुश्किल सी बात है। ये आप देख सकते हैं, कोई पता नहीं है कहाँ पर बोरर का अटैक हुआ है। तो इसमें सारे में ही आप कीटनाशक डाल दें, बस तक कोशिश करें आप ढूंढने की। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप इस तरह से इसमें डालते रहे जहाँ भी आपको लग रहा है कि शायद हो सकता है यहाँ। ये देख सकते हैं आप, कहीं भी इसमें हो सकता है। तो सारे में ही मैं डाल रहा हूँ ताकि वो आ जाए। बाकी इसको जब छिलके में अच्छे से साफ़ करूँगा बाद में। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा हो चुका है यहाँ पर, ये आज ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो इस तरह से हो गया। इसके लिए आप इसे साफ़ करें और फिर इसे अच्छे से देख ले, ये जितना भी है ये सब इसका निकाल दे। इसमें सारे में आप इस तरह से डाल दे ताकि ये अगर कहीं होगा भी तो वो भाग जाएगा। ये यहाँ आप फिर से देख सकते हैं, ये आजकल देखना आसान है, बाद में इसे मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये जब निकल जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ इस तरह से। तो ये पूरा पहले रिंग लगाता है और जाएगा ये एक ही जगह से, वो आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ से भी ये गया है। मुझे लग रहा है यहाँ से गया है। फिर भी आप सारे में एक बार इसे चेक कर ले, इस तरह से कहीं भी हो सकता है वो। तो यहाँ है वो, मैं इसमें थोड़ा सा और ले लेता हूँ, फिर इसे डालूँगा। इस तरह से आप डाल दे, पेट्रोल है चाहे जो भी है, पेट्रोल होगा तो आप पीछे से इसमें हल्की सी आग लगा ले, कुछ भी नहीं होगा आपके पेड़ को, वो जल जाएगा। इनमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिससे वो जल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सिरिंज मैंने भर दी है, अब मैं इसमें डालूंगा। कई जगह वो एकदम बाहर आ जाते हैं अगर ताज़ा होगा। अभी
कई बार इसमें भी वो होता है, पर इसमें नहीं है। तो अब मैं इसमें मिट्टी से इसे भी एयरटाइट कर दूंगा ताकि वो मर जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप एयरटाइट कर दे इसको ताकि ये फिर से अटैक ना कर पाए। और बीच बीच में आज चेक भी करते रहे, कुछ नहीं मर पाते वहाँ तक, जो ये हमारा केमिकल है या कोई पेट्रोल हो वो नहीं पहुँच पाता है। तो बीच बीच में आपने बाद में इसको एक महीने बाद आप चेक भी ज़रूर करें। और तनों के पास आपने घास नहीं रहने देना है, उससे ही ज़्यादा ये अटैक करते। अगर साफ होगा तो अटैक नहीं कर पाते, मेरे से ये नहीं रह पाए साफ क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, इतना टाइम नहीं लग पा रहा है। तो इस साल इनकी जो मार है वो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, इतने नहीं होते थे, इस साल कुछ ज़्यादा ही है ये। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो इतना मेहनत से लगाया हुआ पौधा है वो ख़राब भी हो सकता है। यहाँ आप फिर से देख सकते हैं, इसमें भी है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो मेरे को तो मैक्सिमम ही लग रहा है, ये सब में ही है। ये जो ऑर्चर्ड है ये है 7000 की हाइट पे, तो यहाँ ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और ये तो हाइट में भी होता है, जो रूट बोरर है वो ज़्यादा हाइट पे नहीं होता है, पर ये तो हाइट में भी पाया जाता है। तो इसे आप देख ले, ये कहीं से भी इसने अटैक किया हो सकता है। हर तरह से आप ऐसे ऐसे डालें, जहाँ आपकी सरिंज अंदर जा रही है वहाँ पर आप इसको डाल दें, ये बाहर नहीं भी आएगा तो भी ये मर जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ऐसे डाल दिया। अब मैं इसे मिट्टी से टाइट कर दूंगा ताकि ये इसको हवा ना जा पाए, इस तरह से